स्टाइल मसाला पाव बनाएंगे जो स्ट्रीट फूड है। चलिए देखते हैं हम कैसा बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। ये मैंने एक चम्मच बटर लिया है, एक चम्मच इसमें मैं तेल डालूंगी जिससे बटर जलेगा नहीं। बटर हमारा पिघलने लगा है। ये मैंने दो चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च ली है, दो चम्मच मैंने पत्ता गोभी को बारीक काट लिया है, इसको हम बटर में डालेंगे। आप चाहे तो इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां कैरेट ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वही सब्जी ले लें। इसको हम एक मिनट तक ऐसे ही सौते करेंगे। एक मिनट हो गया है, ये मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं, चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, चौथाई छोटा चम्मच मैंने आमचूर पाउडर लिया है, एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और एक चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। इस मसाले को हम इस शिमला मिर्च में मिला देंगे। अब इसको भी हम थोड़ा सा भुनेंगे। मसाला हमारा भुन गया है। ये मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है, एक अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। इस टमाटर को भी हम इस मसाले में मिला देंगे और इसे भी हम भुनेंगे। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। अब इसमें हम एक आलू डालेंगे। ये मैंने उबला हुआ एक मीडियम साइज का आलू लिया है, उसे हम इसमें मिला देंगे। एक चम्मच हम पाव भाजी मसाला डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मसाला हमारा तैयार हो गया है। गैस को ऑफ करेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ी सी हम धनिए की पत्ती डालेंगे और इसे भी मिला देंगे। फिर से मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम एक चम्मच बटर फिर से डालेंगे, थोड़ी सी हम धनिए की पत्तियां डालेंगे और ये मैंने पाव ली है, पाव को मैंने अलग अलग नहीं किया है, इसको हम बीच से कट करेंगे, लेकिन इसको बिल्कुल अलग नहीं करना है, इस तरीके से हमें करना है। अगर आपसे ब्रेड अलग हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको हम ऐसे पहले अंदर की तरफ से सेक लेंगे। और दूसरी पाव को भी हम सेक लेंगे और इसको हम पलट लेंगे। ये हमने दोनों पाव को सेक लिया है, इसे हम प्लेट पर निकाल लेंगे। जो पाव हमने बटर में सेक कर रखी थी उसमें हम ये मसाला फिल करेंगे। आप चाहें तो थोड़े से इसमें खीरे और टमाटर भी रख सकते हैं और इसको हम ऐसे ही बंद कर देंगे। अब हम अपना दूसरा पाव तैयार करेंगे। थोड़े से खीरे और टमाटर रखेंगे, इसे भी हम ऐसे ही बंद कर देंगे। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में रखेंगे। ऊपर हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती फैला देंगे। हमारा मुंबई स्टाइल स्ट्रीट फूड मसाला पाव बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे झटपट से बना सकते हैं, छोटी मोटी भूख में बना सकते हैं या जब आपका चटपटा खाने का मन करे तब इसे बना सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।